निकलेंगे माउंट मैरी चर्च जाना है, और कहाँ जाना है, बैंड स्टैंड जाना है, और शाहरुख का बंगलो मन्नत जाना है, और भी जितना चीज़ों का उतना घूमेंगे, जितना लिंकिंग रोड जाना है, शॉपिंग करने जाना है, वहीं पे जाना है शॉपिंग करने, समझो यार। और फिर वहाँ से और भी जगह जाएंगे, अभी पहले नाश्ते कर लेते हैं, उसके बाद फिर होटल जाएंगे, होटल से फिर से निकलेंगे। मैं लेट नाइट कर रहा था जुगू से, जिसके वजह से अरे यार कल लेट नाइट जुगू से कह रहा था, घूम आया था, जिसके वजह से लेट तक सोए रह गए। वैसे यार घूमने आया और सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो तुम सो जितना सो पाओ, लेकिन भाई सो जितना में तो और चीज कवर कर पाओ, ठीक है। तो अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं, यहाँ पे तो वैसे लोकल सस्ते पड़ते हैं, लेकिन मेरे को ऑटो अच्छा लगा यार, ऑटो सही है, जब मन तब मिल जाती है, तो जहाँ पे लोकल के लिए वेट करो, मेट्रो के लिए वेट करो, जमता नहीं है। तो आप ठीक है, अभी जा रहे नाश्ता करने, फिर नाश्ता करने के बाद होटल जाएंगे, होटल जाने के बाद फिर वहाँ से निकलेंगे, और जैसे से निकलेंगे आपको बता दे देंगे। तो यार वीडियो पूरा देखा करो यार, पूरा देखते नहीं हो, और कैसे कैसे सब्सक्राइबर है यार, 8% सब्सक्राइबर देखते हैं, 92% अनसब्सक्राइबर देखते हैं, बताओ वैसे कैसे चलेगा, मतलब नाम क्या सब्सक्राइब करके रखे हो, फायदा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलेगा उतना भी चलेगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, फिर नाश्ते करते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे, बताते क्या दिखाते हैं आगे। अभी हम चर्च के यहाँ पे घूम लिए, चर्च के पास से चर्च का निशानी ले लिए, और ये शॉर्टकट रास्ता है जो कि चर्च के पास से आता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं मन्नत, शाहरुख खान का बंगलो, तो फिर वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ा सा ये रास्ता शायद कम ही लोगों को पता है, वहाँ पे जहाँ पे हम शॉप से ले रहे थे, ये मैंने लिया हाथ का बैंड, अच्छा है, प्यारा है, लेदर का है, और 50 रुपीज़ का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो ये मैंने जहाँ से लिया वही दुकान वाले बोले कि ऐसे सामने चले जाओ, यहाँ से भी रास्ता है, तो यहाँ से हम लोग आ गए मन्नत, मन्नत या नहीं जानते हो तो फिर बता देते हैं, ये शाहरुख खान का बंगलो का नाम है। तो अभी हम लोग 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट के अंदर मन्नत पहुँच जाएंगे। और ये कौन है? ये है मेरी दोस्त, ठीक है। देखो जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है घूमने में, क्योंकि यहाँ पर गर्मी नहीं लग रहा, जहाँ पर गर्मी नहीं है वहाँ पर मज़ा ही मज़ा है। मेरा बस चले तो हम जाकर के जम्मू कश्मीर में घर बना ले अपना, कोई बात नहीं, अभी कुछ चलने वाला नहीं है, सोचने से कोई फायदा नहीं है, तो चलते हैं। मन्नत का पीछे कैसा दिखता है? यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो शायद खान साहब के घर पे थोड़ा रिपेयरिंग का काम हो रहा होगा, या फिर कुछ और, मेरे को नहीं आइडिया, पक्का यही मन्नत है ना? हाँ बे। अभी आगे से देखने के बाद पता चलेगा, बोर्ड लगा हुआ होगा मन्नत का। वहाँ पे चौपाटी है, यहाँ पे अभी हम लोग समुद्र के किनारे आ चुके हैं, तो फिर यहाँ पे अभी कुछ टाइम बैठेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे कहाँ, लिंकिंग के लिए, हाँ लिंकिंग का, वहाँ पे शॉपिंग करना थोड़ा बहुत, तो मुंबई आए हुए हैं हम, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे, लिंकिंग में कॉल मन्ना, शाहरुख खान के बंगलो के पास यहाँ से भी जाएंगे चौपाटी, और ये शाहरुख खान के बंगलो के ठीक सामने मुंबई का अलग ही नज़ारा, ठंडा ठंडा हवा, शाहरुख खान का बंगलो, ये वाला डेढ़ से ढका हुआ है, लेकिन कोई नहीं, हम जानते हैं यार, हम बता रहे हैं यार, विश्वास करो यार मेरे पे। ये बैंड स्टैंड,
ठीक है, बैंड्रा बीच, बैंड्रा बीच भी इसको बोलते हैं। यार हम मुंबई पहली बार आए हैं तो हंसना उसना मत बोल, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे पहले कुछ खा पी लेते हैं, खाने पीना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और गर्मी के दिन में और भी ज़्यादा, तो कुछ खा पी लेते हैं। वहाँ पे कोई एक हीरो है अपना, मुंबई का लेकिन पानी बहुत गंदा है। अभी इससे पहले हम शिवराजपुर बीच जा चुके थे गुजरात में, द्वारका में है जो, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन वाटर था, बहुत ही ज़्यादा। वहाँ तो 10-10 फीट ऐसे नीचे है, हम जब बोटिंग कर रहे थे तो 10-10 फीट 12-12 फीट नीचे तक का रेत दिख रहा था, और भी बहुत चीज़। लेकिन यहाँ का पानी इतना गंदा है कि आप अगर हाथ में उठा लो तो आपका हाथ ना दिखे, इतना ज़्यादा गंदा। तो ये तो ये बहुत ही गंदा है, यहाँ पे हम दोबारा नहीं आएंगे, आएंगे बैठने के लिए लेकिन पानी को टच नहीं करेंगे, इस बार भी टच नहीं किए, अगले बार भी टच नहीं करेंगे। तो ये है मुंबई का बैंडस्टैंड, और अभी आपको ले चलते हैं आगे लिंकन रोड, ठीक है। हम लोग आ चुके हैं हिल रोड, और हिल रोड में चलते हैं यार, लेडीज़ लोग का यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, लड़कियों का ज़्यादा मिलता है, तो लड़कियों आओ तो यहाँ पे आओ हिल रोड में शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे चलते हैं आपको स्पेशली ये वीडियो लड़कियों को, यहाँ से वीडियो लड़कियों के लिए जाएगा स्पेशली, ठीक है। तो चलो चलते हैं, लड़कियाँ शॉर्ट्स लेना हो तो आ जाना, उनको अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। ये क्या है ये, ये लिंकिंग रोड, यहाँ पे 50 रुपये से शुरू होकर के 250 रुपये के अंदर सब चीज़ आ जाती है, बस आपको बार्गेनिंग करने आना चाहिए। बार्गेनिंग नहीं करोगे तो फिर 1000 रुपये का भी मिलेगा। ये लिंकिंग रोड बहुत लंबा चला, बहुत अच्छी खासी गर्दी है यहाँ पे। ये जो सीन है ये बैंड्रा फोर्ट के यहाँ से दिखता है ऐसे, बैंड्रा फोर्ट 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन आप अगर अंदर हो तो आप 9 बजे तक वहाँ पे रह सकते हो। तो और एक साइड से भी रास्ता है, तो हम लोग लेट पहुँचे थे लेकिन हम लोग साइड से एंट्री कर चुके थे उसमें। तो ये थोड़ी जल्दबाजी में वीडियो सही से लेना थोड़ा भूल गए, जिसके वजह से ऐसे है, तो थोड़ा आप लोग फ़ोन को ठीक करके आप लोग देख लो, बहुत अच्छा नज़ारा था।
तो इस तरह हम लोगों ने अपना शाम बैंड्रा फोर्ट के यहाँ पे बिताया और फिर चले गए अपने होटल में। लोकल बस मिल गई है मेरे को, बस कंडक्टर से पूछे थे तो वो बस का नंबर बता रहे जिससे आसान है। मैं स्टैंड से अब से 10 रुपये में जा रहा हूँ, ठीक है। जाने में मेरे को 200 रुपये लगे और जाऊँगा बस से। बस सबसे इम्पोर्टेंट बस अच्छा है यहाँ का, बस का सर्विस भी अच्छा है, मेरे को सीट नहीं जाना चाहिए सारा से अच्छा। और आप घूमे बैंड स्टैंड, बैंड्रा फोर्ट, ऑफ मेरी चर्च, मन्नत, सरसा का मंदिर जैसे कि आप देख चुके हैं, और फिर लिंकिंग रोड, हिल रोड ऐसे स्नान कर, फिर अभी हम जा रहे हैं अपने होटल। फिर होटल में जा करके आपको आप देख लेंगे बहुत चीज़ का, बहुत चीज़ का। और सबसे